हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे इंटेल के 11th जेन के प्रोसेसर्स के बारे में। आप लोग को पता ही होगा कि लगभग सभी यूट्यूबर्स को ओवरव्यू के लिए प्रोसेसर्स मिल चुके हैं, पहले से मिल जाते हैं उनको। तो उन्होंने दिखा है, शोकेस किया है कि कैसा है, मतलब डिज़ाइन वाइज तो बहुत अच्छे भाई, बढ़िया स्क्वायर रेक्टेंगल टाइप का बना हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। i9 11900K है, यस ना, ऐसा ही है, 7 है, i5 है। तो 11th जेन के प्रोसेसर इंटेल ने दे चुका है, अब देखो उनका रिव्यू करेंगे यूट्यूबर्स, उसके बाद ही बताएंगे कैसी परफॉर्मेंस। ओवरव्यू दे दूं अगर मैं तो गाइस, देखो ऐसा है कि जो 10th जनरेशन थी i9 की, अगर हम है ना बात करें तो उसमें थे 10 कोर और 20 थ्रेड्स, जो कि ठीक थे, है ना, बहुत सही थे। इस बार जो इन्होंने क्या किया है 11th जेन में, इन्होंने 2 कोर कम कर दिए और 4 थ्रेड्स कम कर दिए, मतलब 8 कोर और 16 थ्रेड का वो हो गया प्रोसेसर। मतलब i9 11900K ये आपका जो प्रोसेसर वो 8 कोर और 16 थ्रेड्स पे है, जो कि सुनने में थोड़ा वियर्ड है कि भाई पहले तुमने मतलब इम्प्रूव करने थे, मतलब तो 8 करते हैं, 10 करते हैं, 12 ऐसे ऐसे इम्प्रूव करते जाते हैं, इन्होंने कम कर किया है तो थोड़ा वियर्ड है। लेकिन इंटेल ने कहा है कि ये चीज़ हमने इसलिए किए, इम्प्लीमेंट किए क्योंकि देखो गेम फ्रिक्वेंसी अपन को ज़्यादा मिल जाती है, अगर कोर काउंट कम होंगे तो फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, जिसमें मतलब गेम वगैरह के लिए बहुत सही रहता है, है ना। तो मतलब हाँ, गेम को ज़्यादा ध्यान में रख के i9 बनाया जाता है। i9 है ही 10th जनरेशन का गेमिंग के लिए, उस गेमिंग के कोई किसी ने बीट ही नहीं कर पाया, राइजन i9 तो अभी बीट ही नहीं कर पा रहा है 10th जनरेशन का, है ना। बाकी अब ठीक है, अब बहुत हद तक राइजन टक्कर दे चुका है, वरना आगे निकल गया यार, क्या टक्कर, क्या आगे निकल गया, काफ़ी आगे निकल गया राइजन, है ना। अब जो एक्सपेक्टेशन है मेरी 11th जनरेशन से इंटेल की, वो ये कि जो आपने देखिए कोर कम कर दिए, थ्रेड्स कम कर दिए, तब लेकिन परफॉर्मेंस वाइज ज़्यादा होना चाहिए ना, परफॉर्मेंस ज़्यादा होनी चाहिए, तभी तो आपका मतलब होगा कि आपने एक जनरेशन आगे बढ़ाई है ना, काफ़ी कुछ इम्प्रूव किया होगा। अगर आपकी परफॉर्मेंस ही कम होगी तो हमने क्या ही इम्प्रूव किया है, कुछ नहीं किया है ना। तो एक्सपेक्टेशन ये है कि परफॉर्मेंस बहुत सही रहेंगी और टक्कर की, मतलब 10th जनरेशन 10900K से तो काफ़ी सही होगा, है ना, यही है। और देखो कैसा होता है ना, अभी रिव्यूअर्स क्या बोलते हैं, यूट्यूबर्स लोग अपना रिव्यू वगैरह देंगे इसमें, है ना, पूरा तबाह कर देंगे उस प्रोसेसर को, बिल्कुल हर प्रकार के टेस्ट करके, गेमिंग, स्ट्रेस, बेंचमार्किंग, ऑल एवरीथिंग में। तो देखते हैं फिर क्या कैसा परफॉर्मेंस निकल के आता है नए अपना 11th जनरेशन के प्रोसेसर का इंटेल के। थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।